हाँ, क्या मौसम हो रहा है भाई। सुबह 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 के बज रहे हैं भाई 6:16। अरे तो तुम लोग सुबह सुबह उठ जाते हो यार, माशाल्लाह तुम्हारी क्या लाइफ है। रात को जल्दी सोते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो। सबको उठाते सुबह सुबह, आज मुझे बड़ी खुशी है। पहले तू बोल ले। आज मुझे बाकी सच में बहुत खुशी है, क्योंकि आपने ब्लॉग का टाइटल देख ही लिया होगा तो समझ भी गए होंगे कि मैं गया हूँ मंडी। क्या हुआ? आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, जाके सो में आया। सो मैं चलता हूँ अंदर यार, और वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह नीचे भाई सबने महफिल लगाई हुई अपनी अपनी। जब भी बकरीद का सीजन होता है ना तो इस तरह रौनक लगी रहती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाश्ता कर लेते भाई। नाश्ते में पता नहीं ये क्या है, और ये तो केक है और चाय, तो फटाफट से करते हैं नाश्ता। नहीं नहीं गंदे सही है भाई, वहाँ पर और गंदे हो जाते हैं, गायों की उसमें जाते हैं, पूं पूं इधर इधर तक गंदे हो जाएंगे अब तो ये। अरे 10 में जा रहा हूँ, वही काफी है। तुम्हें तो लगता क्या था कि मैं जाऊंगा भी? पापा मान गए, यही बहुत बड़ी बात है। गाय ऐसी लाएंगे कोई उसके करीब ना सके। ना आ सके, वो ऐसे टक्कर मारी। तू पता कैसे करेंगे, हाथ यूं लगाएंगे। शरीफ नहीं, खुराट लाएंगे। वो देख रहे हो, सेम टू सेम वैसी गाय। एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल ऐसी गाय लाएंगे ऐसी। ये देखो उई, ये खतरनाक लात मारेगी गाय ये। तुम लोग ऐसे करोगे फिर प्यार ऐसे। इसीलिए वाला व्हाइट वाला बकरा उद्यान में गया, वो कान वो अब तो इतना वो हो गया। मैंने नाम चेंज कर दिया था ना। क्या नाम रखा तुमने बकरों? गंजू मंजू। गंजू चंगू मंगू रखा था, गंजू मंजू रख दिया। चंगू मंगू नहीं, जग्गू मंगू। जग्गू मंगू, चंगू मंगू क्यों रख दिया? जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो गाय हमने सोच ली है, ऐसी ही लानी पड़ेगी ताकि कोई करीब भी ना आए। शरीफ लाइएगा। शरीफ मतलब किस तरह? इस तरह शरीफ ऐसी वाली गाय या ऐसी वाली? गधा चला रहा है, गधा चला, प्यार भी करूँ। और ऐसी वाली नहीं लाए? उई 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 ओबे 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 ओबे, पता भी लगता कब मार दे गाय लात। वाह, अभी वॉशरूम में निकलते हो तो चलते हैं। भाई लाइएगा भाई शरीफ, अभी जब मां जाके पता चलेगा ये कोई पेंट करके थोड़ी ले आएंगे क्या। हम थोड़ी चूस मासूम लाइए। लो भाई मासूम 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 कुर्राट मासूम मासूम ये कुर्राट कुछ भी लिया है। पापा निकल चुके हैं भाईजान, पापा को भी बोल रहे हैं लोग करी शरीफ गाया। दम क्या भाई? दम करके लाएंगे। लो भाई ना ये लोग कुछ भी है, कुछ भी कुछ भी। मेरी गाड़ी अंदर खड़ी है, हम जा रहे हैं भाई पापा की गाड़ी में। जा तो रहा हूँ मैं आज, लेकिन लोग पूछेंगे आपने तो मुझे मना किया था जाने को। तुम्हारे को अब लेकर इसलिए जा रहे हैं कि वरना तुम घर पे रोने लग जाओगे। तुमने बार बार तंग कर रखा है मेरे। पापा शायद भूल गए थे कि लेके जाना नहीं लेके जाना, तो चलते भाई। मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को थोड़ा लंबा करते हैं, तो अभी से भाई इस व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो और जल्दी जल्दी शेयर करो। तो लाइक तो मस्ट है भाई, मतलब 2 लाख लाइक कर दो यार। आज गाय ले लिए ना तो उसमें थोड़ा तो लाइक मारो मारो। हाँ से हम जा रहे होते थे बैरियर टाउन, यहाँ पर रश नहीं होता था। आज देखो रश कितना है भाई, लगता है सभी मंडी जा रहे हैं भर भर के। हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा कुछ? तो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब ये देखना है कि वहाँ पर रश कितना होगा। फाइनली भाई पहुँच गए हैं मंडी के अंदर। जी सर जी, कहाँ पहुँचे? गेट पर हूँ। यहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ कैसे जाएंगे? यहाँ पे अगर पास जो गाड़ी पास वाला होता है वही जाते। पास के बगैर गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, जैसे कि लाइक इधर सिर्फ पैदल चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी, या तो वहाँ पार्क करनी पड़ेगी। हमें पार्किंग मिल गई तो गाड़ी करते थे यहीं पार्क। गाड़ी चेंज करनी है, हमने यहाँ पार्क कर दी, अब दूसरी गाड़ी बैठ के जिसका पास बना हुआ उससे अंदर जाएंगे। पापा इस मंडी के कितने गेट है? 7 तक तो गेट सुने मैंने यार। अच्छा और भी गेट है क्या? बहुत सारे गेट। तो हमने भाई अभी इधर पार्क कर दी नंबर 1 गेट पे। पापा भी खुद ऐसे बनकर जा रहे हैं, वहाँ 6-7 लाख का ही बोलेगा जानवर, मतलब पापा को हीरो देखकर। इसको आगे खड़ा करेंगे, नहीं रोका भाई, पास बना हुआ हमारा भाई, पास बना हुआ है, डायरेक्ट जा सकता है बंदा। ये आ गए बड़े बड़े टेंट जो महंगे महंगे सारे जानवर होते हैं यहाँ पर, कितने कितने लाख के, 25-25, 30-30 लाख के। अब लेकिन यहाँ पर महंगे भी तो 25-25, 30 लाख के। पसंद आ रहे? अरे ये कड़ा हुआ वो कड़ा हुआ, पापा को पसंद आ रहे। अब है भी तो महंगे ही है। हम जरा थोड़ा सा अंदर जाएंगे, जैसे कि सबको पता है कराची मंडी कैसे लगती है, कि शुरू में टेंट होते हैं बड़े बड़े और अंदर जाके थोड़े सस्ते से जानवर होते हैं, लेकिन वो भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन बस ये होते हैं ये फार्म वाले होते हैं और ये बस एक्सपेंसिव होते हैं। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा अंदर। आपको पसंद आए? नुकरा खड़ा हुआ सामने, पापा रेट पूछ रहे कितने का है। भेज दिया लो भाई, रेट ही नहीं बताया, भेज दिया पहले ही। फिलहाल हम लोग सिर्फ चलते हुए बस रेट ही लगा रहे हैं जानवरों को जो अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाकी जब गाड़ी से उतर के चलेंगे
और वो बस वो वाली पक्की बार्गेनिंग और वो लेने वाला काम होगा। बड़ा रश है भाई, आगे सामने तालाब ही तालाब है, सब जगह दो दरिया बना हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। ओए 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 ओए, आज तो भाई टांगे शूज सब गंदे होने वाले हैं। अभी मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ यहाँ से भाई, फंस गया मैं तो। हाँ पाँव रखूंगा अंदर, वहाँ पाँव रखूँ अंदर। कहाँ मैं पाँव रख सकता हूँ? अच्छा टायर वाली जगह पाँव रख लूँ। ओए ओए, गया 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 गया। और बहुत अंदर आ चुके इस टाइम, मतलब अंदर आते 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 बिल्कुल जहाँ पर व्यापारी वगैरह नहीं होते, जो पुराने मतलब शुरू से जिन्होंने लगाया हुआ उधर। सो उधर माशाल्लाह जानवर तो सारे ही प्यारे हैं। आ हा हा हा, माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत। अरे इतने प्यारे हैं, प्यार करने दे रहे भाई। अरे वाह। ओए भैंस भी है, तुम्हें भी लोग खरीदते? अरे तुम्हारे बाल तो ये इंसानों की तरह हो रहे हैं, मांग मांग बना दूं तुम्हारी, अच्छे लग रहे हो। बनेगा 460 सौदा बनना शुरू हो रहा है। 5-5-5 मीन्स 5 लाख से नीचे ही नहीं, ऊपर। इन ऐसा है कि थोड़ा बहुत हमें ये नहीं कि एक ही टेंट सब लेना चाहिए, थोड़ा बहुत ये है कि सबसे भी रेट मालूम करने, थोड़े बहुत यहाँ के भी कि यहाँ की मंडी कैसी है। पिछले व्लॉग में शायद गाय नहीं गए थे तो वहाँ पर सिर्फ मैं सब जगह पूछा ही था कि रेट क्या, लेकिन वो मंडी दूसरी थी, आज मंडी दूसरी है। तो इधर के रेट लेकर जहाँ पर समझ आएगा कि भाई ये टेंट वाला सस्ता दे रहा है और मतलब सही रिजनेबल प्राइस है इसके, तो फिर वहाँ से ले लें। 11 क्या? 11 लाख, एक के 11 लाख। बाय बाय। वापसी बैठ के जा रहे हैं भाई आगे। वो भाई सही दलदल में आ चुके हैं इस टाइम अभी, गाड़ी हमारी वो देखो कितनी गहरी दलदल है भाई, समझो यहाँ पर मिट्टी थी और ये पानी की वजह से पूरी दलदल ही दलदल हो गई। आगे भी बड़ा पानी है यार, मतलब खतरों के खिलाड़ी बन के हम आज जानवर ले रहे हैं। होटल चले कुछ खा लेंगे ना, लग गई भूख, भूख नहीं लगेगी क्या भाई? बहुत गाय देख ली लेकिन अभी तक कुछ सौदा ही नहीं बन पाया, तो अब चलते पहले कुछ खाते हैं। बड़े पसीने पसीने आ रहे हैं देख सकते हैं आप, सब जगह पसीने, बैग पे पसीने, पहले खा लेते हैं फिर चलते, फिर दिमाग चलेगा ना, सब जगह खाना ही खाना। ओए हो, इधर लगा हुआ तंदूर भाई, गरम गरम रोटियां, ये बैठने की जगह सारी, जो भी मंडी आ रहा है वो यहाँ पर खाना वाना खाता है, जो यहाँ पर काम वाम करते हैं वो भी खाना खाते हैं। अच्छा भाई मेन्यू में क्या क्या है? मेन्यू नहीं है यार, तो बताओ क्या क्या है। अंडा घोटाला, सब्जी, कीमा, दाल मास, दाल चना, चिकन कोरमा लिया और वो अंडा घोटाला। तो ऑर्डर हमने दे दिया भाई, सब एक एक प्लेट मंगा लिया। एक हो गया भाई हमारा अंडा घोटाला, बिरयानी, कोरमा और दाल मास। तो शुरू करते हैं भाई खाना और फटाफट से, अभी भी मंडी बहुत ढूंढना है, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, कहीं रात ना हो जाए ढूंढते ढूंढते और हम लेट हो जाए, तो इसलिए फटाफट से खाते हैं। ओके फाइनली भाई खा लिया खाना, मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको मिलते हैं डायरेक्ट भाई, बस समझ गए ना कि कहाँ मिलते हैं डायरेक्ट, तो वहीं मिलते हैं। अब फजूल घूमना, अखबारी काटना कितना मसला है। अरे भाई कीचड़ की तो मैं कितनी बना ली, गलत हो गया है तो भाई, ये बैड सीन हो गया। 1 2 3 4 पापा के तो भाई पूरे पाँव चप्पल सब गंदे हो गए जी भाई। जल्दी आओ जल्दी। बस यार हालत डाउन हो गई भाई, घूम के चल के सच में हो गई भाई, मंडी तो बहुत बड़ी है माशाल्लाह, बहुत बड़ी। आप यकीन करें कि अभी इतने जानवर बचे हैं और सिर्फ 4 दिन रहेगा बकरीद में, मतलब इतना महंगा जानवर है जिस वजह से लोग भी नहीं ले रहे और लोगों की रेंज भी इतनी नहीं है कि वो इतने महंगे लें, तो बस क्या ही करें, बहुत महंगाई है हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों लड़ो, हटो, नहीं लड़ो, चलो साइड में। अरे भाई, ओ भाई तुम्हें नहीं बोला मैंने, उनको बोल रहा हूँ लड़ना नहीं। अरे अभी मना किया है, लड़ना नहीं है। अरे नहीं लड़ना, ओ भाई सभी लड़ना। अरे उधर हो, अबे मुझे नहीं मारना तुम लोग। ओ भाई ये असली में समझ गया गाना, यकीन मानो नहीं होगा, गले मिलो, गले हक हो जाए, हक हो जाए, इधर भी हो जाए। चलो पैसे देने की बारी आ गई है भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। कब से घूम रहे थे, रात हो चुकी है और अब जाके बिल्कुल पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मान नहीं रहे अभी भी, हमने निकाल तो लिए पैसे के, भाई ले लो, मान जाए बस। ये सबसे बड़ा मुश्किल है यार जानवर को लेना और सही रिजनेबल प्राइस में लेना, कसम से जितनी हाई मंडी है ना उस हिसाब से कोई भी नहीं मान रहा है कि इतने में दे दो, लेकिन इतनी ख्वारी हमने कार्ड लेना तो हम बस पीछे ही पड़ गए व्यापारी की, कभी हम लेकर ही जाएंगे, तू दे सस्ते में हमें। पापा पैसे लेके खड़े हैं कि वो ले ले यार। भाई बिस्मिल्लाह करो,
चलो यार बस हाँ ना ये डिफरेंस बता रहे कि भाई वो भारी है ये भारी है वो ऐसा नहीं होता बस यार अल्लाह की राह में कुर्बान करना है तो बस दे दो यार बस दे दो हैप्पी बर्थडे ले लिया अरे सोने माशाल्लाह भाई माशाल्लाह हाँ 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 माशाल्लाह भाई माशाल्लाह अपना हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह नसीब की बात होती है जो बात है भाई इतनी मंडी घूमी नहीं मिला और हम कहाँ जा रहे थे अभी कहाँ कहाँ गए हम लोग ने सलीम भाई नसीब में रखे हाँ 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 ये भाई नसीब में रखे थे गाड़ी में बैठे थे पता भी नहीं सलीम है और भाई ने बस दे दिया भाई फाइनली फाइनली खुशी अलग ही हो रही है अपने जानवर लेने की बहुत अच्छी हो रही है अरे कहाँ से निकले अबे देख कर वहाँ तो तुम बोल ही रहे थे मुबारक हो मुबारक हो अच्छा आवाज करो अबे भाई ये सीन सबसे पहले क्या टाइड हुआ दोबारा मेरे टक्कर जो मारी थी मेरे बस डरा तू समझे असली में गया कहीं पीछे तब गए भाई चल चल के तो अभी किधर ही बैठ गए भाई और अभी हमने जानवर को सामने खड़ा कर दिया गाड़ी का वेट हो रहा गाड़ी मंगवाई है तो देखते हैं गाड़ी शिजोर आती है तो उसी में जाएगा ये जानवर घर जानवर का तो बताया कि अगर बड़ा जानवर क्यों लेना चाहिए छोटा जानवर क्यों लेना चाहिए मतलब वो सेंस क्या है भाई सेंस क्या है बस दिल खोल कर आपके पास जितनी हैसियत है उतना लो यार अच्छा हाँ अगर अगर आपको ज्यादा हैसियत कम कम छोटे जानवर ले लो फिर देखो पिछले साल हम लोग के पास इतने नहीं थे भाई पैसे हमने लिए कम लिए थे कम लिए था तो यही आदमी को लेना चाहिए लेना चाहिए अगर हैसियत अगर उसकी हो तो बिल्कुल दिल खोल कर खर्च करो वालेकुम सलाम कैसे हो ठीक हो आ गई है भाई गाड़ी देख रहे हो कितना कितना पानी है कितना कितना कीचड़ है यहाँ पर सोच सकते हो कितने मुश्किल से हमने जानवर लिया है कितना ख्वार होके लिया होगा तो लाइक तो लाजमी बनता है फिर ना बनता चलो माशाल्लाह हाँ 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 पूरा आया भाई शजोर में भाई टमाटर पेंडस बैठ के जा रहे हैं और बेटा घर लाजमी लेकर आई हो कहीं तू रास्ता भूल जाए देख लो अगर ज्यादा सही लेना पीछे खड़े हो जाना सही भाई फाइनली घर की तरफ रवाना दवाना है हमारी गाय और बस यार जो रसीद में होता है वही मिलता है आपको और वैसा ही हुआ वही मिला इतना सुबह से जो घूमने की हमने जो इतनी ट्राई की थी ना कि अच्छा मिल जाए सस्ता मिल जाए यार लेकिन अच्छा मिल गया और बहुत सस्ता मिल गया यार बस क्या बताऊँ आपको बस क्या बताऊँ जो भी था हो गया अब आप बोलोगे प्राइस भी बता रहा कितने का मिला बस मिल गया पता लग जाएगा आपको आजकल ये ब्लॉग में क्या पता मैं खुद ही बता दूँ आगे जाकर जब किसी को बता रहा हूँ तो लेकिन अच्छा मिला बस अल्लाह का करम है मालिक के एहसान है अब चलते हैं बाहर मंडी से इस गाड़ी में बैठ के हम उस गाड़ी तक जाएंगे फिर उस गाड़ी से घर भाई ने क्या जानवर दिलाया भाई जान कुछ ऐसी सीन भी थे जो कि मतलब मैंने कैमरा खोला ही नहीं क्योंकि अगर कैमरा खोल लेता हूँ ना होता ये कि वो ब्रीड बढ़ा देते हैं उनको पता चलता वीडियो बन रही है अब और बोलो बढ़ बढ़ के बोलो तो ये सीन था तो मैंने कैमरा भी तकरीबन ऑलमोस्ट बंद रखा था बैठो टमाटर स्पेंडर हमसे पहले ना पहुंचे भागो सारी गाड़ियां पीछे रुकी हुई थी भाई जान गायों वाली ये देखो मारा स्पेंडर नहीं लगता भाई हमसे आगे हम समझे वो भी यहाँ रुका होगा वो निकल गया पहले पहुंचेगा भाई हमसे पहले नहीं लाए मिली नहीं बस देखना तुम तो देख के बोलोगी अरे माशाल्लाह इतनी बड़ी गाय भाई यही होगा इससे पता चलता है कि आप लोग कितना घूमे होंगे बहुत घूमे भाई बहुत ताजा जानवर लिया है मुबारक वाला कबूल करे रक्षे में रश्के में आ रहा सही मदद करना उतारने में और उसके साथ भाग जाना रश्के में आ रहा है और तुम हरियाणा हो जाएगा काफी हरियाणा हैरान नहीं हरियाणा अरे थैंक यू सो मच हाँ हाँ इसको बिठा के लेकर आए हम इस गाय के साथ आराम से अरे माशाल्लाह उतर तो गई है अब सबा ने बोला मुझे हाथ लगाना इसको लगा के दिखाओ कुछ नहीं करती है ये शरीफ है अभी इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ मुझे काला के खड़ा कर दिया अब लगाओ ना करीब आ जाओ डरो नहीं अभी मैं तो प्यार करो क्योंकि मैं इसको वहाँ पर भी कर चुका हूँ ना इसलिए मैं भी अगर इसको पहली बार देखा तो मैं भी डरता क्योंकि ये इस तरह घूम रही है ना इसको खुद भी डर लग रहा है कि मैं कहाँ पर आ गई अरे कुछ नहीं करेगी जाओ तो हाथ तो लगाओ अरे उधर नहीं भागो गाड़ी इधर आओ इधर पीछे से लगा लो चलो पीछे से लगा लो तुम्हारी शरीफ लाना तुमने बोला शरीफ लाना हम खुराक ले लेते तो तुम्हारा क्या होता तुम लोग को टक्करे मार दी फिर आप खाने खा लेना फिर गाय की वो लेने जाएंगे आज अरे तुमको नहीं पता हम कितने थक्कर आए कल लाएंगे के सारा सामान अब इसके कपड़े वपड़े भी ले आएंगे पैंट शर्ट कमीज सलवार दुपट्टा अरे मजा करो सिर्फ दुपट्टा ही मिलता है भाई मैं तो चुगल में बोल देता हूँ कुछ भी हाँ हाँ घुंगरू गजरे सब लाएंगे बस अब नजर का टीका भी लगा देंगे चलते ऊपर भाई कुछ खाने पीते हैं फिर थोड़ा नीचे आके फिर उसको थोड़ा देखभाल करके खाना वाना खिलाकर
फिर हम ब्लॉग को एंड कर देंगे और सो जाएंगे। भाई इसको फटाफट उतार के डालते हैं इसको मशीन के अंदर। होए 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 इधर देख रहे थे कैसे आप, नीचे क्यों नहीं आई आप? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह मॉम, आपको पता है कितना ढूंढने के बाद मिली होगी हमें? घंटों से गए सब यही पूछ रहे हैं। मैं नीचे उतरा हूँ, भाई कितने का ले लिया, भाई कितने मुझे मार के, भाई कितने का ले लिया, भाई कितने का, अरे यार थोड़ी होता, बस प्यारा है माशाल्लाह बोलो और अल्लाह कुर्बानी कबूल करे, बस ये होता है यार। ये नहीं कितने का लिया कितना बड़ा लिया, वो आपकी अपनी हैसियत होती है कि आप कितना बड़ा ले सकते हो और अल्लाह को क्या क्या चीज़ पसंद आ जाए आपकी कुर्बानी के अंदर, जस्ट ये चीज़ होती है। और बाकी जो नहीं ले सकते उनके लिए भी कोई मसला नहीं होता, बस वो अच्छी नीयत रखें अपनी और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी कुर्बानी नसीब करे, तो इंशाल्लाह वो उनके लिए भी कुर्बानी नसीब हो जाएगी। ओ भाई तेजी से खाना शुरू करते, सब्र तो कर जाते भाई। भाई खाने के वक्त मैं वेट नहीं करता। अच्छा ओ, ओ, ओ। तो गाय भूखी खड़ी, उसको कौन खिलाएगा? गाय की अभी जगह चेंज हुई है भाई, अभी उसको हम खाने के लिए देंगे तो खाएगी नहीं है, पहले उसको जगह देखने दो, पूरा सब कुछ देखने दो, सेट हो जाएगी ना, सेट हो जाएगी, उसके बाद आराम से सुकून के साथ खाएगी। अगर आप उसको खिलाओगे तो नहीं खाएगी। ओके व्यापारी साहब, तो जल्दी जल्दी खाना खाते, उसको खिलाते। तो सब आज मैं जा रहा नीचे गाय को खाने जाने, क्योंकि वो भूखी है। मास भाई आप नहीं, हम दोनों खिला देंगे। हाँ दोनों खिला देंगे, पूरा खाना। भागो भागो। ओ भैया जी रुक, तो भाग गए नीचे, तो चलते फटाफट। कहाँ है कहाँ है गाय, कहाँ है? खाना ही नहीं है। खाना नहीं है? नहीं ना लाए, किसी गाय का खाना है तो फिर खिला देते ना खाना उसको, फिर उसको वापसी लाके दे देंगे। ऐसा कर ले कि भैया भी ऊपर भी लेट गया, टमाटर स्पेंडर्स भी लेट गया, मतलब सब बहुत थक गए, तो अभी यही खिला देते भाई इसको। सुबह की स्नैपें शुरू हो गई है भाई। बकरो सही है ना? ठीक है, अब्बू भी आ गए, भाई वहाँ खड़ा हुआ है और तुम भी हो, ठीक है? पूरा पैक हो गया भाई, पूरा पैक, बस अब कुछ नहीं लाना अल्हम्दुलिल्लाह। वापसी ऊपर आ गए, जैसी नीचे गया वैसी बस शुरू हो गया भाई। बस यार आप समझ सकते हो कि हम कितना घूमे आज, तो बस मैं नीचे जा ही नहीं पा रहा और बस मतलब थकन थकन सी बहुत फील हो रही है। बस व्लॉग पता करते हैं, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो यार पसंद करने की कोशिश करो, क्योंकि व्लॉग तो हमने बनाने और आपने पसंद करने हैं, तो लाइक ठोको ठोको ठोको, सब्सक्राइब भी कर दो। कल परसों हमने जरा गाय का थोड़ी देखभाल करनी है और गाय को भी नहलाना भी होगा, हमने गाय को हमने सजाना भी है और गाय को घुमाना भी है, तो गाय हमारी अगर घूमते घूमते भाग गई तो क्या होगा भाई। तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कल गाय की शॉपिंग करेंगे। बस यार तुम्हारी अपनी शॉपिंग, गाय की शॉपिंग, सब की मैंने इस चीज पे कोई शॉपिंग नहीं की, सिर्फ गाय और बकरों की शॉपिंग की। अभी मतलब गाय की करोगी तुम? हाँ कल गाय की करूंगी। चलो चलो कल गाय की शॉपिंग पे जाएंगे, चलो चलो लेट जाओ जल्दी। समझ रहे हो?